नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं और आज बनाएंगे हम लोग नेनुआ और काबली चना के सब्जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो नेनुआ के छिलके हैं उसको हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इसके ऊपर के परत होती है बहुत ही सख्त होता है, तो इसी वजह से हम लोग पहले इसके छिलके उतार लेंगे ताकि हम लोग को गलाने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने छिलके को आसानी से उतार लिया है, तो इसको हम लोग दो टुकड़े में काट देंगे ताकि इसको धोने में आसानी होगी। और काटने के बाद इसमें हम लोग पानी को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि घंटा भी ना मिस हो, और कमेंट भी करिएगा कि रेसिपी हम लोगों ने कैसी बनाई है। तो इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को छोटे छोटे पीसेस में काटना है ताकि जब हम लोग सब्जी जब बनाएं तो आसान तरीके से गल सके। तो दोस्तों, हम लोगों का नेनुआ जो है वो कट चुका है और हम लोगों ने जो चना है इसको रात में भिगो करके रखा था और हम लोग देखिए हम लोगों का फूल चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में ऐड कर देंगे और इसी में पानी को भी डाल देंगे, और पानी को डालने के बाद इसी में हम लोग ये तेज़पत्ता को ऐड कर देंगे और बड़ी इलायची है, और इसी में दालचीनी के टुकड़े भी हैं इसको भी ऐड कर देंगे, और इसी में चाय पत्ती को हम लोग पटली में बाना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आएगा, और इसको हम लोग 5 सीटी मारने तक कुक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो चना है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है और हाथों से भी आसानी से दब जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो खड़े मसाले को ऐड किए हैं उसको हम लोग निकाल लेंगे अब, क्योंकि जो फ्लेवर है वो चने में आ चुका है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। और इसका जो पानी है इसको हम लोग ग्रेवी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे और इसी में हम लोग ये 5 फ़ोरन को ऐड कर देंगे, जिसमें मेथी है, जीरा है, सौंफ है, कलौंजी है, और इसी में हम लोग ये खड़ा जीरा को भी ऐड किया है। और इसको भूनने के बाद तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा है इसको भी ऐड कर देंगे, और इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको हम लोग डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसी में कटा हुआ प्याज है इसको डाल करके हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे हम लोग इसको। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का प्याज जो है गलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी में हम लोग कटा हुआ टमाटर है इसको भी ऐड कर देंगे, और इसको हम लोग इसी में भून लेंगे। और इसी में हम लोग ये 1 टेबल स्पून हम लोगों ने नमक को ऐड किया है ताकि जो टमाटर है हम लोगों का अच्छे से गल सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम लोग एक नई नई रेसिपी इसी तरह लाते रहते हैं। और इसी में हम लोग ये हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और लाल मिर्च और इसी में देगी मिर्च भी है इसको डाल करके अच्छे से भून लेंगे, और इसी में हम लोग थोड़ा सा पानी को भी ऐड कर देंगे ताकि जो हम लोगों का मसाला है वो अच्छे से भुना सके। और इसको भूनने के बाद इसी में हम लोग ये जो नेनुआ को छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं इसको हम लोग इसी में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको हम लोग कवर कर कर पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो नेनुआ है वो गलना भी स्टार्ट हो चुका है अब, तो इसको हम लोग ढक करके और पकाएंगे, और इसी में हम लोग ये 3 हरी मिर्च लिए हैं इसी में ऐड कर देंगे ताकि जो हम लोगों का सब्जी है वो बहुत ही स्पाइसी बने, और कवर कर देंगे
और इसी में लोग गरम मसाले को ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून, और डालने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा रेसिपी कैसी बनी है। और इसी में हम लोग एक काबली चना जो बॉईल कर कर रखे थे उसको भी ऐड कर करके इसको हम लोग मिला देंगे, ताकि जो मसाला का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ सके। और काबली चना और ननुआ की सब्ज़ी दोस्तों बहुत ही लाजवाब बनती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। और इसी में हम लोग ये पानी को भी ऐड कर देंगे, और हम लोगों ने पानी को थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी पानी ऐड कर सकते हैं। और इसी में हम लोग ये कसूरी मेथी लिया है इसको ऐड कर देंगे, और इसी में हम लोग ये नमक को थोड़ा और ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी नमक को डाला है तो इसीलिए हम लोग स्वाद अनुसार ही नमक ऐड किए हैं। और इसको डालने के बाद कवर करके पकाएंगे, तो देखिए दोस्तों कितना। और इसी में हम लोग जो पानी निकाल कर रखे थे इसको भी ऐड कर देंगे इसी में, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही लाजवाब आएगा इससे। तो दोस्तों हम लोगों का बनकर तैयार है, और देखिए काबली चना और ननुआ की सब्ज़ी वो भी कितनी लाजवाब बनी है, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग एक नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं, तो नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें, और जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाते हैं, घंटा भी ना मिस हो, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, गुड बाय, टेक केयर।